हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपके सेहत का दोस्त डॉक्टर अनवर अमीर अंसारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूरेटिव होम्योपैथी में। क्यूरेटिव होम्योपैथी ये वो चैनल है जो पीड़ा उठाया है हेल्थ फॉर ऑल बाय 2030 तक का, घर घर तक का होम्योपैथी पहुंचाना, घर घर तक सेहत पहुंचाना, और जिसके लिए आपका साथ हमें ज़रूरी है। दोस्तों, गर्मी की शदीद मौसम के बाद में, शिद्दत की गर्मी के बाद में अब मौसम आया है सुहाना मौसम, बारिश का मौसम, जहाँ पर सब हरियाली हरियाली है, चारों तरफ में हरियाली, पानी और साथ साथ बीमारियाँ। जब भी बारिश का मौसम आता है गर्मी के बाद में, तो कुछ किस्म की मखसूस बीमारियाँ साथ लेकर आता है, जैसे कि वायरल फीवर्स, वाटरबोन डिजीज, डायरिया, डिसेंट्री, टाइफॉइड, मलेरिया और ख़ास तौर पर डेंगू और लेप्टोस्पायरोसिस। ये जो बीमारियाँ जो ये आम हो गई हैं आज के ज़माने में, नई नई बीमारियाँ, न्यू री इमर्जिंग डिजीज हम कहते हैं, ये वो आ गई है। और ख़ास तौर पर जो फ्लक्चुएशन जब होता है बारिश के अंदर, कि बारिश होके फिर रुक जाती है, गर्मी होती है और फिर वापस से फिर बारिश होती है, तो ये दरमियान जो होती है, ये जो मौसम जो होता है मच्छर को पनपने का मौका देता है। पानी जमा होता है, मच्छर को पनपने का मौका मिलता है। चेंजेस इन वेदर होती है, मच्छरों को पनपने का मौका मिलता है। ख़ास तौर पर वायरसेस भी साथ में जो है मतलब के सर उठा देते हैं वहाँ पर, इसलिए हमें बार बार सर्दी, खांसी, बुखार, निमोनिया, टाइफॉइड, इस किस्म की इन्फेक्शियस बीमारियाँ कहीं ना कहीं पैदा होती है। और साथ साथ में कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो मौसम के ठंडेपन की वजह से होती है, फॉर एग्जांपल फालिश, पैरालिसिस, अस्थमा, इस किस्म की बीमारियाँ सर उठा सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की उन दवाइयों के बारे में जो कि इस किस्म की मौसम के अंदर कारगर होती है। सबसे पहले हम आपको बताएँ कि भीगने के बाद में या बारिश के मौसम में जो अगर अस्थमा होता है, तो उसमें सबसे अच्छी जो दवाई है जो है अलामतों के साथ काम करती है, वो नेट्रम सल्फ। डैम वेट वेदर के अंदर जो होती है अस्थमा, नेट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो भीगने के बाद में बीमारियां शुरू होती है, वायरल फीवर वगैरह जो होते हैं, उसमें दो दवाइयाँ अहम हैं, एक है रस्टॉक्स और दूसरी है डलकमरा। ये जो है बॉडी एक, हेडेक, सर दर्द, बुखार या चेंज ऑफ वेदर की वजह से आई हुई है, ठंडी से गर्मी से ठंडी में अगर जाते हैं, भीग जाते हैं, उसके वजह से जो बीमारियां जो पैदा होती है, इसमें जो दो दवाइयां बहुत ज़्यादा काम होती है। एक और जो दवाइयां जो रेस्पिरेटरी के लिए काम करती है वो होती है नक्स मस्काटा। चेंज ऑफ वेदर, गेटिंग वेट की वजह से अगर समझो रेस्पिरेटरी अगर इन्फेक्शन आए, तो खास तौर पर नक्स मस्काटा दो दवाइयाँ अलग अलग है, एक नक्स वोमिका और एक नक्स मस्काटा। मैं बात कर रहा हूँ नक्स मस्काटा की। भीगने के बाद में अगर ख़ास तौर पे खांसी वगैरह शिकायत अगर होती है और आपकी ज़बान सूखती है, लकड़गे से ज़बान हो सकती है, पानी की प्यास नहीं लगती है, ड्राइनेस ऑफ टंग विथ थर्स्टलेसनेस, अगर ये अगर अलामत है तो नक्स मस्काटा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर बादल बहुत छाए हुए हों, उस वक्त में अगर आपको जोड़ों का दर्द अगर होता है, छोटे छोटे जॉइंट्स में दर्द होता है, तो उस पर एक दवाई जो काम करती है उसका नाम है रोडोडेंड्रॉन, RHODODENDRON, रोडोडेंड्रॉन। ये ख़ास तौर पर जब बादल छाते हैं तो उस वक्त में ये काम करती है। इस तरह से और भी बहुत सारी दवाइयाँ, कॉस्टिकम एक बेहतरीन दवाई हैं, ख़ास तौर पर अगर ऐसे मौसम में बाद में फालिज अगर डेवलप होता है, तो इसमें कॉस्टिकम बहुत बढ़िया काम करती है। कॉलेरा एक आम बीमारी होती है, इसके अंदर बारिश में जहाँ पर उल्टी, झूला, पेट में दर्द, क्रैम्प्स वगैरह होती है। आपको मैं ये बताऊँ कि ख़ास तौर पर कॉलेरा की जब बात आती है तो मुझे याद आता है 1830 और 31 का एपिडेमिक कोलेरा का, जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ था। उस वक्त में हमारी होम्योपैथी दवाइयाँ जो होती है, ख़ास तौर पर वेरिट्रम एल्बम, कैम्फर, क्यूपरम मेडलिकम, ये वो दवाइयाँ हैं कि हज़ारों हज़ारों मरने वालों को उसने बचा दिया, यानी जो मौत के मुंह में चले गए थे लोगों ने उसको बचाया। और इन एक दवाइयों के इस्तेमाल के बाद में जो रिज़ल्ट आए हैं, उसने होम्योपैथी को पूरी दुनिया में फैला दिया। तो ये कोलेरा के लिए इतनी ज़बरदस्त दवाइयाँ हमारे पास में, कोई ज़रूरत नहीं है आपको एंटीबायोटिक लेने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक लीजिए और परेशान हो जाए, इम्यून सिस्टम को डाउन कीजिए। ये सिंपल दवाइयाँ जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, इसका इस्तेमाल कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और इन बीमारियों से बचिए। और बहुत सारी बीमारी, टाइफॉइड होती है, मलेरिया होती है, उसके लिए भी बहुत दवाइयाँ हैं। हम इन चीज़ों को अलग अलग टॉपिक के हिसाब से इंडिविजुअल बेस पर लेंगे, इसलिए मैं उसके बारे में आज नहीं बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि हमारी जो कोशिश है, काविश है कि हम हेल्थ फॉर ऑल बाय 2030 जो करें, घर घर तक सेहत पहुँचाए, घर घर तक होम्योपैथी पहुँचाए, इसके अंदर आप हमारा साथ दें, और आप साथ रहेगा तो हमें उम्मीद है कि हम हमारे मिशन में कामयाब होंगे।
डॉक्टर, हमारा मिशन है, मिशन में कामयाब होंगे वापस, हमारा मिशन है हेल्थ फॉर ऑल बाय 2030 थ्रू होम्योपैथी। आप अपने नज़दीक के होम्योपैथी डॉक्टर जो है उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं, वहाँ तक जा सकते हैं, दवाई जो हम बता रहे हैं वहाँ से लीजिए, या आपके गांव में अगर कोई फार्मेसी है, शहर में फार्मेसी है, वहाँ से लीजिए। उसके बावजूद अगर आपको कोई दिक्कत आती है दवाई हासिल करने में या कुछ मालूम करने में, तो आप हमसे रुजू कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हैं, और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो भी खदमत है हम उसके लिए हाजिर है, हमारी पूरी टीम हाजिर है। मैं चाहता हूँ कि मैसेज आप घर घर तक पहुँचाए, अपने दोस्तों तक पहुँचाए, और हमारा क्यूरेटिव होम्योपैथी वाला जो चैनल है उसको आम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल क्यूरेटिव होम्योपैथी को अभी सब्सक्राइब करें, और नए वीडियोस देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करना न भूलें। साथ ही अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और डॉक्टर अनवर अंसारी से सीधे बात करके अपनी बीमारी का इलाज जानने के लिए आप हमारे नंबर पर फोन भी कर सकते हैं।